बधाई, और जितना भी तारीफ की जाए कम। ये तो नहीं कहूंगा कि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, और गलती से भी मैं अपने विद्यार्थी पर डाउट ही नहीं करता कि वो नहीं अच्छा होगा। और ईश्वर की कृपा से 32 साल में मेरा ये संदेह कभी भी असत्य नहीं हुआ। आप अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। ये मैं प्रीवियस के छात्र इसलिए बधाई के पात्र है कि गलती से ही सही आ तो गए कम से कम। ये फ्रेशर्स पार्टी या किसी भी तरह का इस प्रकार का कोई भी आयोजन जो संस्थाओं में आयोजित होता है, कतई कतई उसके पीछे मनोरंजन सिर्फ एक द्वितीय उद्देश्य हुआ करता है, बल्कि आपकी तमाम प्रतिभाओं को निखारना, उसे तराशना, उसे एक मंजिल प्रदान करना, ताकि आप समाज में एक बहुमुखी प्रतिभा के सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के रूप में असेट बनकर शामिल हों, न कि समाज पर दायित्व रहें। इसीलिए संस्थाएं आपके पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं या मनोरंजन पर भी ध्यान दीजिएगा, तो ठीक है।
मनोरंजन पर भी ध्यान दीजिएगा, इस हद तक पर फोकस करने की जरूरत है। उसी तरह से इस कार्यक्रम में आप देखिए, ये कार्यक्रम आज इस रूप में हो इसके लिए आपकी तैयारी है, यानी आपकी मैनेजमेंट स्किल है। ये बहुत बड़ा MBA छोटा मोटा काम नहीं है। इतने सारे बच्चों जो आपस में एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई ईर्ष्या द्वेष तमाम तरह का व्यवहार रखते हैं, लेकिन दो तीन दिन में सब एक दूसरे कितने प्रिय हो गए, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, कुर्सी भी हटा रहे हैं, मेज भी हटा रहे हैं। किसी के मन में एक बार भी आया कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो आपकी मैनेजमेंट स्किल इससे बढ़ती है, कोऑपरेशन सीख करने की क्षमता आपकी बढ़ती है, आपके कोऑर्डिनेशन का भाव बढ़ता है, आप एक दूसरे के प्रति आपके मन में लगाव होता है, प्रेम बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है। तो ये सारे जो आपके रियल वैल्यूज हैं वास्तव में, जिसको आप कहते हैं ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, परोपकार, दया, करुणा, ममता, त्याग, तपस्या, सहयोग, भाईचारा, साहचार्य, अपनापन, ये सारे शब्द जो है शब्द नहीं है, वास्तव में ये जीवन के अमूल्य रंग है, जिनको किताब में आप नहीं पाते, जिनको आप क्लास में नहीं पाते, जिनको पढ़ने के लिए आपको अलग से कोई समय निर्धारित नहीं किया जाता है, इनको आप अनुभव में जीते हैं। जब आप इस तरह NSS का जब कायम करते हैं, आपको लगता है यार 7 दिन फालतू का बर्बाद हो गया, आपको समझ भी नहीं आता कि वो 7 दिन आपके जीवन के ऐसे अमूल्य क्षण हैं जो आपको शैतान से इंसान बना सकते हैं और आपके जीवन में दोबारा लौटकर कभी नहीं आएंगे। तो आप चीजों को किस रूप में लेते हैं, इसी के कहते हैं कि आपका अप्रोच बहुत बढ़िया होना चाहिए। कहते हैं कि चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ, अपने आप प्रवृत्ति बदलिए। कहते हैं कि दृष्टि नहीं दृष्टिकोण बदलिए, बदला नहीं बदलने का प्रयास करिए। कोई आपका दुश्मन है उससे आप बदला लेने का प्रयास करेंगे तो आप देखें आपका दिल दिमाग दोनों व्यस्त रहेगा और आपकी प्रगति आगे होने के बजाय आप पीछे जाएंगे। आप उसे बदला लेने के बजाय उसको बदल दीजिए। और आपसे बताएं शास्त्र भी यही कहते हैं और जीवन के अनुभव भी यही कहते हैं कि किसी से कुछ भी शिकायत करने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया कहते हैं इंटायर जो यूनिवर्स है, इट इज विद इन यू, वो आपके अंदर है। जस्ट यू हैव टू रियलाइज, आपको केवल महसूस करना है, कुछ भी किसी से कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपने में परिवर्तन कर लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। जैसे आपसे बताएं वो छोटी सी बात, दुनिया की सारी समस्या का समाधान आपके पास है। कोई आपसे बहुत नाराज है उसे माफ कर दीजिए, किसी से और कोई आपसे नाराज है उसे माफी मांग लीजिए, और जिससे आप नाराज हैं उसे माफ कर दीजिए। खत्म हो गया सारा झगड़ा, ना कुछ तो नहीं बचा फिर, और आप आराम से टेंशन फ्री हो जाएंगे, शांति से रहिए। किसी से आप जब बदला लेने का भाव अपने मन में लाते हैं, उसी समय से आप इंसान से शैतान बनना शुरू हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। और धीरे 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 वह शैतानियत इस हद तक पहुंच जाती है कि आप उसमें किसी की हत्या भी कर देते हैं, आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं होता। और कहते हैं अहंकार इंसान को कभी भी समझ नहीं देता और वहम उसको कभी उठने नहीं देता, इसलिए इन दोनों का त्याग कर दीजिए। ईश्वर भी कहता है कि छत छत में मोहे नहीं भावा, निर्मल मन सो मोहे। तो अगर आप में छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, ये सारे दुर्भावनाएं आप में विद्यमान है, तो आप जीवन का कोई लक्ष्य नहीं पा सकते। जीवन का लक्ष्य पाने के लिए आपको अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। सफलता कतई कोई एंड पॉइंट नहीं है। जैसे आप की लाइफ का उद्देश्य सफल होना है तो सफलता में क्या पाना है बताइए। सपोज कि आप IAS बनना चाहते हैं, आप IAS हो गए, इट मींस नाउ यू आर सक्सेसफुल ना। अब IAS हो करके 3 महीने के बाद आप करप्शन में टर्मिनेट हो गए, तब आप क्या चाहेंगे। इसका मतलब कि सफलता कोई एक काम नहीं है। IAS बनना सफलता का एक पॉइंट है, IAS बनकर IAS जीवन भर बने रहना, सम्मानजनक जीवन जीना और सम्मान से रिटायर हो जाना और कोई आरोप न लगना, ये सारा कुछ यानी सफलता एक तरह से आप देखें तो सिर्फ एक अवसर है जो आपको रोज ही क्वालिफाई करनी पड़ती है। हर क्षण आपको जीवन में पास होना होता है, सीधी सी बात। वो एग्जाम चाहे IAS का हो और चाहे बहुत छोटा सा घर में सिर्फ और अपने पति को, अपने भाई को, अपनी बीवी को खुश करना, ये छोटा काम है क्या? खुश करके दिखाओ, समझ में आ जाएगा।
कोई क्यों नाराज है समझ में नहीं आ रहा, तो आपकी परीक्षा तो हर समय हो रही है। इसलिए आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आप अपने व्यवहार को ठीक रखें, आप दूसरे को कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपने को ठीक रखें और बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो अपनी सोच को ठीक रखें, कहते हैं कि थॉट्स डिटरमाइन योर डेस्टिनी, आपकी सोच ही आपके विचार ही आपके भाग्य निर्माता है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं, और जैसा आप करते हैं जाहिर सी बात है वही आपकी आदत बन जाती है, अब जो आपकी आदत में शामिल हो जाता है वही आपका भाग्य बन जाता है। आप रोज सुबह उठकर के अगर ये कहते हैं कि इस आदमी को मिलता तो मैं बहुत पीटता है, चार पांच छह दिन लगातार सोचिए मेरी गारंटी है आठवें दिन उसको आप पीट देंगे, और रोज सुबह उठकर के आप ये सोचिए कि यार ये आदमी मिलता है इसको मैं 500 रुपये दे देता हूं, ज्यादा परेशान था तो 8-10 दिन बीते बीते उसको आप 500 रुपये क्या करेंगे। तो कभी भी कोई भी विचार अपने मन में गलती से भी आप नेगेटिव मत ले। देखिए आप से बताया, आप साइंस को ध्यान से देखें, वास्तव में ये कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो साइंस से परे है, सिर्फ कहने के लिए जितनी भी रियल वैल्यूज है, जितनी पूरी फिलॉसफी है, जितना आप ऊंची ऊंची शब्द पढ़ते हैं अध्यात्म है त्याग है तपस्या है ये सब, वो सब चीजें वास्तव में है फिलॉसफी की, लेकिन ये सब गवर्न होती है साइंस से, कुछ भी फिलॉसफी में नहीं है। जैसा आप सोचते हैं, जो आपका माइंड सेट है, स्टेट ऑफ माइंड ही डिफाइन करता है वास्तव में कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आप क्या होंगे। तो स्टेट ऑफ माइंड, अभी आप सो करके उठिए सुबह, और उठते ही आपके मन में आ जाएगा आज तो रात भर सोए नहीं, बहुत दर्द है शरीर में, पूरा दिन मेरी गारंटी है पूरा दिन खराब हो जाएगा, और आपको दिन भर नींद आती रहेगी, सर दर्द होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सिग्नल है वो माइंड के पास सुबह ही चला गया कि इसको दिन भर आज सुलाना है, क्यों कुछ नहीं करना है, और सो के उठते ही आप अपने मन में खूब जोर से उठिए, उत्साह से हाथ उठिए और 50-60 काम उसको बता दीजिए कि ये काम ये काम ये काम ये काम ये काम सारे काम आज निपटा देने हैं, और वो फिर जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है वो लग जाता है जी जान से काम निपटाने में, और ज्यादा बेहतर है उसको रात में बता के सो जाए। कभी आपने अलार्म लगाया है कभी सुबह उठने के लिए? आज आप लगाइए अलार्म, मेरे कहने में अलार्म लगाइए 4 बजे का सुबह, जल्दी हो गया क्या? अच्छे 6 बजे लगाओ, और तुम अलार्म लगाते समय खुद ध्यान से 2-3 बार सोचो कि सुबह 6 बजे बजेगा और मैं उठ जाऊंगा पक्का है, अब तुम सो जाओ, मेरी गारंटी है कि तुम 6 बजे उठ जाओगे, अलार्म नहीं बजा रहे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस है उसने याद कर लिया है कि तुमको सुबह 6 बजे जगाना है, हमसे बता दिया। कभी भी किसी का अलार्म नहीं बजता, हर आदमी उठ जाता है जो वास्तव में सही में अलार्म का इंतजार कर रहा है, और बाकी जो नालायक टाइप के लोग हैं अलार्म बंद करते हैं उनकी बात तो हो ही नहीं रही है भाई ने, क्योंकि जगाया हमेशा होते जो सो रहा है, सोते हुए जगते हुए कौन जगा सकता है, तो रजाई ओढ़ करके सोने का नाटक करो कोई ढोल पीट के मर जाए ना, उठता तो वो भाई जो सही दिन सो रहा है, जैसे आपने कहा नया चौक उठ जाएंगे भाई जो भी सो रहे हैं, अब नया जान पूछ अगर आग बंद की है तब चिल्लाते रहो नया ढोल नगाड़ा पिटवाओ खुद उगड़ने की तरह से तभी नहीं उठेंगे। तो ये तुम्हारा सब कॉन्सेप्ट, तुम साइंस पढ़ो ध्यान से, जितने भी दुनिया के महान आविष्कार हैं जिन्होंने एक तरह से जो गेम चेंजर सिद्ध हुए लाइफ में, वो सब के सब अनजाने में हुए, वो सारे के सारे सब कॉन्सेप्ट माइंड से हुए। डीएनए की खोज दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है जो तुमने पढ़ा होगा, वाटसन और क्रिक किया होगा, वो सीवी टाइप का है, देखा है डीएनए का सेल कैसा है, सीवी टाइप का, वो उसने सांप सीढ़ी को सपने में देखा, और जितने दूसरे बहुत सारे आविष्कार हैं जिनको सब कॉन्शियस माइंड आप दिन रात उसी को सोच रहे हैं। अरे मैं दूसरे को क्या बताऊं, मैंने तो पेपर देख लिया सबने ठीक, और वाकई दिखता है इसमें कोई डाउट नहीं, इतना आप उसमें जब इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे आप बिल्कुल इतना इन्वॉल्व होकर पढ़ाई करिए, और जब परीक्षा में आप बैठते हैं तो पता नहीं आपने अनुभव किया नहीं किया, आप देखेंगे कि आपके हाथ को लाइन याद रहती है और अपने से लिखता चला जाता है, आपका दिमाग कहीं रहता है हाँ कुछ और लिखता है, आपको पेज नंबर लाइन मात्रा पुलिस का सब याद आने लगता है,
अपने आप, तो जिस डिग्री का इन्वॉल्वमेंट होगा आपका कहीं भी, उसी डिग्री के आपकी उपलब्धि भी होगी। इसलिए सिर्फ बताने के लिए आप पढ़ाई मत करिए कि आप पढ़ रहे हैं, आप ईमानदारी से पढ़िए। और आपसे बताएं, कभी भी जीवन में जो कल बीत गया है और जो आने वाला है, ये दोनों ही बिना मतलब के हैं। इन पर आपको कभी भी फोकस ही करने की जरूरत नहीं है, फोकस केवल आप अभी तुरंत पर करिए, क्योंकि यही तुरंत कल बनेगा और यही तुरंत जो है ये भूतकाल भी बनेगा। तो जब आज आपने अच्छा कर लिया तो कल आने वाला अच्छा होगा ही होगा, और अगर आज है अच्छा तो ये जब भूतकाल होगा तब भी कैसा रहेगा, अच्छा ही रहेगा। तो कभी भी आप, लेकिन दुर्भाग्य यह है, इंसान का स्वभाव ऐसा है, हर किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि वह ज्यादातर 90% अपने भूतकाल में जीता है। अरे क्या बताएं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या बताएं, हम तो बड़े गरीब हैं, बड़े कमजोर हैं, बहुत परेशान हैं, ये है ऐसा। आप सिर्फ करते हैं लोगों की सिंपैथी पाने के, दया पाने के। जिस दिन दया और सिंपैथी पर जीना छोड़ देंगे, जिस दिन अपने आत्मविश्वास से जीना शुरू करेंगे, जिस दिन अपने आप पर भरोसा करेंगे, और जिस दिन अपने आप को बेचारा समझना छोड़ देंगे, गलती से भी अपने को बेचारा मत समझिए, कमजोर मत समझिए, दुखी मत समझिए, क्योंकि आप चाहे इतने खराब हों, ये गारंटी है कि करोड़ों करोड़ों से बहुत अच्छे हैं। इस बात को स्वीकार करिए कि आप जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कभी भी कंपैरिजन इंसान को कमजोर बनाता है। आपके पिताजी ने कह दिया, अरे तुम क्या पढ़ रहे हो, देखो तुम्हारे बगल में वो तो BCS हो गया, तुम्हारे साथ ही पढ़ रहा था। ये इतनी खराब बात है जिसको हम आप समझ नहीं पाते। जैसे आप कंपेयर करते हैं उसके दो दुष्परिणाम होते हैं, एक तो आप उसको डिमोरलाइज करते हैं, दूसरा आप उसकी प्रगति में बाधक बनते हैं। आप उसको डंडा कर रहे हैं वो PCS बने, जबकि वो तो IAS करना चाहता है भाई, क्यों आप उसकी तुलना PCS वाले से करते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, सब में अलग अलग क्वालिटी है। कहते हैं कि एक व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर जानता है। जैसे यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ठीक है, कोई आकर के मान लो डांस कर दिया, कोई गाना गा दिया, ठीक है, लेकिन जिसने कुछ नहीं किया ऐसा है, वो कुछ नहीं आता है, उसको भी बहुत कुछ आता है, वो शायद दूसरे को नहीं आता है। हो सकता है वो अच्छा मैनेजर हो सकता है, वो अच्छा कोऑर्डिनेटर हो सकता है, कि वो बहुत बढ़िया अरेंज करने वाला हो सकता है, कि वो बहुत कुछ नहीं करता हो, कम से कम ये बहुत अच्छा इंसान ही हो, वो किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, किसी को उसे शिकायत नहीं है, आखिर से कुछ ना कुछ गुण तो है भाई ना। तो हर व्यक्ति यूनिक है, सब में अपनी एक विशेष क्वालिटी है, उस यूनिकनेस को पहचानने की जरूरत है। डोंट ट्राई टू कंपेयर एनीबॉडी विद एनीबॉडी, किसी को भी किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। आप जैसे हैं ठीक है, अच्छे हैं। अक्सर आप बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्लेक्स पाल लेते हैं, जैसे आप छोटे हैं, सवाले हैं, ठीक है, ऊंची जाति में पैदा हुए, निजी जाति में पैदा हुए, अमीर हैं, गरीब हैं, ये सब फालतू की बात है, क्योंकि इसमें आपका क्या दोष है भाई। जैसे मैं बहुत छोटा हूं, अब मैं रोज रोता रहा हूं बड़ा छोटा हूं अगर, तो इसे मेरा क्या दोष है, मैं छोटा हो गया भाई। कोई बहुत काला है मान लीजिए, या मैं बहुत गोरा हूं तो घमंड करूं, यार मैं तो बहुत गोरा हूं, मैं तुमने कौन सा था भगवान घुस दिया था गोरा होने के लिए, तो बाई चांस है तुम गोरे हो गए, बाई चांस है कोई काला हो गया, बाई चांस है कोई अभी, अब कोई अगर मान लो कोई अंबानी घर पैदा हो जाता है तो घमंड करेगा, मैं तो अंबानी का लड़का हूं, अरे इसमें घमंड की क्या बात है, बाई चांस है तो मैं भी पैदा हो सकता हूं। तुमने जो किया घमंड का वह विषय है, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं तुम्हारी लाइफ में, जो माय वर्चू ऑफ नेचर नहीं है, जो एफर्ट की वजह से प्राप्त होते हैं, जैसे पढ़ाई है, स्वभाव है, आदत है, व्यवहार है, ये सारी चीजें आप एक्वायर करते हैं। अगर आपने इसको नहीं किया तब आपको गिल्ट होना चाहिए, तब आपको कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, आप न पढ़ें तो आपको दुख होना चाहिए। लेकिन इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आप छोटे हैं, जैसे भी जीवन बहुत लंबे हैं तो रहे लंबे, खतरों में तक की सारी योग्यता यही है लंबे हैं, अब कोई जो छोटा हो इनके सामने पहुंचे तो उसको लगेगा यार हम तो बहुत छोटे हैं। सो व्हाट, छोटा तो सी रंगराजन भी है आपका गवर्नर, मैं उसे बार बार बताता हूँ, रिजर्व बैंक का ये उदाहरण भी देता हूँ, जान बूझ कर बच्चों को बताता हूँ कि उससे काला व्यक्ति पूरी धरती पर नहीं है, सी रंगराजन से रात में देख लो डर जाओगे, और उससे छोटा शायद कोई नहीं होगा, एक उंगली भी कटी हुई है,
इतनी सारी शारीरिक अस्वस्थता उस महापुरुष के पास है, लेकिन पूरी दुनिया उसे देखने के लिए बेचैन रहती है, उसका एक शब्द सुनने के लिए परेशान रहती है, कि वो उसकी योग्यता है, उसकी क्वालिटी है, वो उसने एक्वायर किया है, जिसकी वजह से भगवान ने जितना बिगाड़ा था उसका, उसने उसको उसे 100 गुना बेहतर बना रखा। तो जो भगवान ने बिगाड़ रखा है तुम्हारी नजर में बिगाड़ा नहीं है, वो तो किसी को कुछ भी एक चीज जान लो, ईश्वर तुमको वह नहीं देता जो तुम चाहते, वह देता है जो तुम्हारे लिए जरूरी हो, वो तुम समझ नहीं पाते। तो आज कोई चीज अगर तुम्हारे नुकसान होती है तो तुम कहते हो कि बहुत दुखी होते, जैसे जब एक जगह मैंने और भी कहीं बिगाड़ दिया, जैसे मान लो लड़की की शादी तय होगी किसी लड़के से, और 2-3 महीने के बाद पता चला उसकी शादी इससे टूट गई, अब क्या होगा, कौन कौन दुखी होगा इसमें, कोई दुखी होगा नहीं दुखी होगा, सब दुखी होंगे, माँ बाप दुखी होंगे, हम लोग भी दुखी होंगे, सारे दुखी होंगे। अब 5-6 महीने के बाद भगवान पर भी थोड़ा इसको गुस्सा आएगा, इतना माला फूल चढ़ाए थे भगवान को, इनके अच्छे उपाय कर दिए, लेकिन 5-6 महीने के बाद इसकी दूसरी साइड क्या होगी, और 2 साल के बाद पता ये चला कि जो पहली शादी टूटी वो तो भयंकर दारूबाज है, और जो दूसरी हुई वो तो वायरस हो गया। अब अच्छा क्या था, टूटना क्यों होना, टूटना अच्छा था, लेकिन उस समय हमको क्या लग रहा था कि टूटना नहीं अच्छा है। तो हम आप कभी भी देख नहीं पाते उसका प्लान क्या है, और वो प्लान 50 साल का कर डालता है। आज से 10 साल पहले उसने तुम्हारे लिए क्या नुकसान किया था और तुम कितना दुखी थे, लेकिन उस नुकसान की वजह से 20 साल बाद उसने कितना गुना तुम्हारा फायदा करवाया वो तुमको अंदाजा नहीं है। इसलिए चुपचाप डेस्टिनी में विश्वास करो, जो डिसाइड है होके रहेगा, उसे किसी भी कीमत पर कोई बदल नहीं सकता। इसलिए मेरा तुमसे निवेदन है कि गलती से किसी के भी नुकसान में माध्यम बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि नुकसान उसका पक्का होगा, तुम चाहो या न चाहो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा कि उस नुकसान का जिम्मेदार कौन हो जाएगा, तुम हो जाओगे। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना रोज सुबह किया करो कि ईश्वर मुझे किसी के नुकसान का भागीदार नहीं बनाना, मुझसे केवल लोगों के लिए अच्छा कराना, या तो मत कराना, न करना कतई बुरी बात नहीं। जैसे आपने मुझसे मदद मांगी, मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकता, सॉरी मेरे बस का नहीं है, इट्स ओके, इसमें कोई बुराई नहीं है, सबकी अपनी क्षमता है। जैसे डॉक्टर एस पी सिंह बैठे थे भाई, वो उनसे तुम कोई भी काम कर दो, कोई भी काम कह दो, जिस तरह का हो पक्का कर देंगे, तो उनकी क्षमता है, लेकिन मुझसे कहोगे तो मैं 90% नहीं कर सकता, 10% शायद कोशिश करूंगी कर दूंगा, लेकिन ये पक्का है कि तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा किसी कीमत पर, मेरे हाथ से तो नहीं होगा, हो जाए वो अलग बात, इससे मतलब नहीं। तो हम सबको यही कोशिश करना चाहिए ईमानदारी से कि हमारे हाथ से किसी का नुकसान ना हो, जितना किसी का कर सकते हो उसका भला करो, जो तुम्हारे बस में है वो करो। और अगर किसी का नुकसान नहीं करते हो तो बहुत सारा एक अच्छी बात ये भी है कि जब तुम्हारे दिमाग में हमेशा लोगों का भला रहता है तो दिमाग हमेशा पॉजिटिव चलता है। जैसे कोई तुम्हारे सामने जैसे ही अपीयर होता है, अच्छा किसी से तुम मिलने जाओ, अब पहले से सोच के जाओ, सर से पूछने चलना सवाल, और सर चाहे जितना डांटे भी पूरा नहीं माने, तब इसके बाद चाहे जितना टीचर तुम्हारा नाराज हो तुमको खराब नहीं लगता, और तुम अगर बिना सोचे पहुंचे और उसने छोटी सी बात कही तुमको कैसा लगता है, बहुत बुरा लग जाता है। तो इसलिए तुम्हारा माइंडसेट अगर ठीक ठाक है, स्टेट ऑफ माइंड अगर तुम्हारे कंट्रोल में है तो तुम्हें दुनिया में कोई दुख नहीं है। जैसे तुम जहां भी जा रहे हो बी रेडी टू एक्सेप्ट व्हाटएवर विल हैपन, ठीक है जो भी घटेगा देखा जाए, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी और तुम उसको पॉजिटिवली ले लोगे। तो जैसे ही तुम्हारे सामने कोई अपीयर हो तो अपने मन में ये बात सोचो कि आदमी चाहे जो कहेगा मैं इसका काम करूंगा जरूर, एक अप्रोच ही हो गया काम करने का। एक दूसरा, चाहे जो करे कहेगा किसी कीमत पर नहीं करेगा, एक अप्रोच ये भी है। जब तुमने सोच लिया कि नहीं करेंगे पहले से, ये तुमने कह दिया कि इसका काम करना ही करना है, तब वो चाहे इतना गलत काम बता रहा होगा, तुम उसके तरीके ढूंढोगे कैसे इसको हम कर सकते हैं। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू बी
एक पॉजिटिव पर्सन, सकारात्मक व्यक्ति बनिए। और इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम पर्सन बनिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत बनिए। हर जगह समस्या मत पैदा करिए, समस्याओं को हल करने का प्रयास करिए। जब आप सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं तो यू फाइंड सोल्यूशंस। जैसे एक आदमी कार से जा रहा था, एक बिल्कुल नदी पर पहुंचा तो उसकी कार पंचर हो गई। उसने टायर चेंज करने के लिए सारे नट बोल्ट खोले और हड़बड़ी में उसके हाथ से लगा और चारों जो नट बोल्ट खोल के रखा था वो नदी में चला गया। अब बहुत दुविधा में पड़ा है कि अब हम इसको लगाएं कैसे, यहां से जाएं कैसे, तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। और एकदम बिल्कुल समस्या हर क्षण उसकी समस्या गंभीर होती जा रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे रात भी हो रही है, वीरान भी है, वो डर भी रहा है, टायर उसका निकल चुका है, गाड़ी उसकी खड़ी हुई है। तब तक उधर से एक आदमी साइकिल से गांव का कोई सीधा साधा आदमी चला रहा, तो पूछता, भैया क्या बात है, क्यों खड़े हैं? अरे कहीं जाओ, तुमसे क्या मतलब, तुम्हें क्या मतलब? उनको लगा कि आदमी क्या जानेगा गाड़ी घोड़े की बात, भाई इस साइकिल से जा रहा है। उन्होंने कहा, अरे भैया फिर भी बताइए क्या दिक्कत है। कहा, अच्छा क्या बताए? इस टायर के चारों नट बोल्ट नदी में गिर गए, कैसे जोड़े इसको, परेशान है, दिमाग खराब हो गया है, रात हो रही है, ये हो गया। उन्होंने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, तीनों में से एक एक खोल के लगा लीजिए, चले जाइए यहां से। ये सिर्फ सोचने का अप्रोच है, आप समस्या पर फोकस किए हुए इसे समाधान नहीं पा रहे। आप इसका उल्टा सोचना शुरू किए होते कि कैसे काम चल सकता है, तो आपको भी आ जाता कि तीनों में से एक एक निकाल लीजिए और लगा क्या करिए, कम से कम बाजार तक तो चले ही जाएंगे ना आराम से, जहां कोई बनने लायक। तो हमेशा आप जब सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं तो आप समस्याओं में आपको तब चुनौती नहीं अवसर दिखाई पड़ते। जैसे अभी कहा गया, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि इस कोरोना काल में जो चुनौतियां हैं वो अवसर में बदल दीजिए, है ना। तो हमेशा आपको भी यही करना चाहिए कि आपको सोल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो जब आप सोल्यूशन फोकस करेंगे तो समस्याएं अपने आप और जितनी भी खराब परिस्थितियां होंगी, और हमेशा कोशिश करिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की। विन विन का मतलब जीवन में किसी को हराने का प्रयास मत करिए, वो सीरीज में कोशिश करिए सबको साथ लेकर जीतिए। और जब ज्यादा दिमाग हो जाता है तो इंसान धूर्त हो जाता है। एक जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे जहां रहते हैं वहां एक प्रतियोगिता कराएगी, रेस कराएगी, और उस रेस में यह था जो फर्स्ट आएगा उसको पुरस्कार दिया जाए। सारे बच्चों को दौड़ाया जाए, सारे बच्चे दौड़े, रास्ते में एक बच्चा गिर गया। दौड़ते समय जो बच्चा गिर गया उसको सारे बच्चे उठा करके गोद में लेकर के साथ एंड पॉइंट तक पहुंचे, ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि बुद्धिमान आदमी धूर्त होता है, वो अकेले जीतने में अपनी सफलता को समझता है। लेकिन जिसका दिमाग कमजोर है वो क्या समझता है कि सबको साथ लेकर ही जीतना ठीक है। तो जीवन में सबको साथ लेकर चलना और सबको बराबर महत्व देना, न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। सिर्फ संयोग और परिस्थिति की बात है कि आप कहाँ हैं और दूसरा कहाँ है, इसलिए आप अपने से किसी को जज मत करें। हम तुरंत ही जजमेंटल हो जाते हैं, फट से एक सेकंड में किसी के चरित्र के बारे में कुछ भी कर देंगे, किसी के व्यवहार के बारे में कुछ भी कर देंगे। आप किसी के बारे में कुछ भी कहने के पहले आप 150 बार उस पर्सपेक्टिव पर विचार करिए जिस पर उसने वो व्यवहार किया, उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि एक ये लड़की आज तक इसने हमसे कभी जोर से नहीं बोला था और अचानक आज इसने क्यों इतना ज्यादा हमारे ऊपर नाराज हो गई, तो इसको बुरा भला कहने के पहले जरूरी क्या है कि वो कारण ढूंढी है कि ऐसा क्यों हुआ। तो हो सकता है कारण इतना बड़ा हो कि आपको अपने ऊपर हुआ गुस्सा ज्यादा बुरा ना लगे। तो किसी से भी नाराज होने के पहले आप उसके पीछे के पर्सपेक्टिव पर, उसके इतिहास भूगोल पर आप विचार करिए ऐसा वो क्यों कर रहा है। और कभी भी आज के व्यवहार से किसी के जीवन भर के एहसान को आप पानी में मत डाल दीजिए। किसी ने आपसे अगर ये अगर 10 अच्छाइयां की है, आज उसने किसी कारण से कोई बुराई कर दी, या मान लीजिए आपके लिए कोई अच्छा नहीं कर पाया,
तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पीछे की जितनी 10 अच्छाई खत्म हो गई, और अच्छा व्यक्ति वो होता है जो एहसान मानता है, और जो भी एहसान मानना ये अच्छा इंसान होने का लक्षण है, और जिसने आपकी गलती से भी एक बार कुछ कर दिया है, एहसान कृष्ण ने माना था द्रौपदी का, कृष्ण को शिशुपाल वध के समय उनके चक्र से उंगली मालिका से चोट लग गई, और द्रौपदी ने अपनी दुपट्टे का कोना फाड़ा और उसको बांध दिया। ये इतिहास का बहुत बड़ा उदाहरण है और हर व्यक्ति के लिए नजीर है कि उसे किसी के प्रति कितना एहसानमंद होना चाहिए। जब द्रौपदी का चीरहरण शुरू हुआ और द्रौपदी सबको चिल्ला चिल्ला के थक गई, किसी ने नहीं बचाया, तो उसने अंत में यह भी ध्यान दीजिएगा कि ईश्वर हमेशा कब याद आता है, इसीलिए अंत में याद आता है जिस पर भ्रम आया आपको ना बहुत ज्यादा, हमारे पापा हैं, पति हैं, भाई हैं, सब नालायक हैं किसी काम के लिए, ये सब मौके कोई काम नहीं आएगा, ये सब स्वार्थ ये संबंध है इसलिए है क्योंकि आप उनके लिए समर्पित हैं। मानना इसको नहीं कहते कि लोग आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, मानना उसको कहते हैं कि आपके लिए कौन क्या क्या करता है, ठीक है। तो जब सब के सब इतने ताकतवर लोग जब बिना किसी काम के रह गए तो सामान्य आदमी की क्या विशाल आपकी कामना है, तो भ्रम ही तो है, और इसीलिए पहले सबको बुलवा दिया, चाहते तो सीधे पहले किसको बुलवा लेते, कृष्ण भगवान को ही ना, इसीलिए नहीं बुलाया कि दुनिया जान ले कि जिस माया पर घमंड करते हो ये किसी काम की नहीं है, मौका आएगा तो सर ठेगा दिखा देंगे, काम कौन आएगा, कृष्ण भगवान। तो कृष्ण ने जब द्रौपदी का चीर बढ़ाया और उसकी लाश बच गई तो जानते कृष्ण ने क्या कहा कि ये तो तुम्हारा केवल ब्याज है अभी और वो धन भी बाकी है, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होगा, इसका मतलब यही ना। तो 4 इंच की वो दुपट्टे का कोना वो इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि हजारों हजार मीटर सारे देने के बाद भी केवल ब्याज ही पूरा पूरा है, अभी वो बोझ बाकी है। इसका मतलब छोटी से छोटा भी एहसान किसी का जीवन भरा उतार नहीं सकते, और यही बात इकोनॉमिक्स की रियल कास्ट भी कहती है, मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि वास्तविक लागत भी यही कहती है, अगर आपको किसी ने एक कप चाय पिलाया है तो आजीवन आप उसके ऋणी है, और उसका सिर्फ एक जवाब है कि जब मेरे लायक जो भी रहेगा तुम्हारे लिए करेंगे, क्योंकि कुछ करके आप एक कप चाय का एहसान उतार नहीं सकते। तो इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका संबंध आप देखें तो पढ़ाई लिखाई से नहीं, आपके व्यवहार से, आपका सुखी होना, आपका खुश होना, ये स्टेट ऑफ माइंड है आपके दिमाग में, जैसे उपयोगिता कहाँ रहती है, आपके दिमाग में रहती है, आप चाहे तो खुश रहें और चाहे तो दुखी रहें। एक मंदिर में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे मजदूर, तो जाने वाले आदमी पूछा सुनो क्या बना रहे हो, तो इनका अरे क्या बात दुर्भाग्य है पता नहीं कहाँ पैदा हो गए इस तरह से, और ये ईंट और गारे का काम करना पड़ रहा है बिना मतलब का, जिंदगी तो मेरी खराब हो गई। उसने दूसरे को बुलाया, उससे पूछा, उसने कहा भाई मैं तो क्या बताऊं बड़ा भाग्यशाली हूं, अरे काम तो यही करना था ईंटे गारे वाला ही, यही कहता मैं कम से कम भगवान का घर बना रहा। अब देख लो दोनों के एटीट्यूड में कितना डिफरेंस है। तो एक आदमी वही काम करके बहुत सुखी है और एक आदमी उसी काम में बहुत दुखी है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड है, आप चाहे खुश रहें और चाहे दुखी रहें आपके हाथ में, खुश रहने के हजारों अवसर हैं और दुखी रहने के भी हजारों अवसर हैं, कुछ भी सोच के दुखी हो जाइए कौन मना करता है, तो हमेशा खुश रहिए पॉजिटिव रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपने प्रति का मतलब जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति ईमानदार रहिए, आप विद्यार्थी के रूप में ईमानदार रहिए, आप बेटे के रूप में ईमानदार रहिए, आप पति के रूप में ईमानदार रहिए, आप भाई के रूप में ईमानदार रहिए, आप समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में ईमानदार रहिए, और यदि ऐसा है तो आप समाज के लिए असेट होंगे और आपकी उपयोगिता होगी, और कम से कम ऐसा तो रहिए ही कि अगर आप न रहे तो लोगों को लगे कि कोई नहीं, ऐसा कतई मत करिए कि आप न रहे तो लोग खुश हो जाए कि चलो बड़ा अच्छा है, नहीं है ठीक, उससे अधिक जीवन की असफलता कुछ नहीं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आशीर्वाद, और ये मैं उम्मीद करूंगा कि आप जहां कहीं भी रहेंगे निश्चित रूप से हम लोगों को ये बताने में घमंड होगा कि आप हमारे विद्यार्थी हैं, और इस उम्मीद आशा और विश्वास के साथ ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दुलार, खुश रहिए प्रसन्न रहिए।